गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, फिनाइल एलानिन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन हाउ दिस मेटाबोलाइज इन आवर बॉडी एंड व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन देयर मेटाबॉलिज्म एंड इफ एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम अकर इन देयर मेटाबॉलिज्म व्हाट आर द डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अकर ड्यू टू दैट प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन जो एंड टायरोसिन दीज बोथ आर अमाइनो एसिड्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन जो हैं ये हमारी बॉडी में आफ्टर ऑल कैसे मेटाबोलाइज होती हैं, क्या साइकिल है इसके मेटाबॉलिज्म का, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो जो हो सकती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनाइल एलानिन कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज. ठीक है, तो इसको हमने वन नंबर दिया है. देखिए, वन नंबर दिया है. ठीक है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज. ठीक है, उसके बाद जो टायरोसिन है वो हमारी बॉडी में कैटेकोलामाइंस बनते हैं, उससे थायराइड हॉर्मोन्स बनते हैं, उससे फिनोज एंड पैराक्रिसोल्स बनते हैं, टायरामिन बनते हैं, मेलानिन बनता है. मेलानिन क्या होता है? स्किन पिगमेंट्स, जो हमारी स्किन को पिगमेंटेशन देता है. ठीक है, तो टायरामिन इज सम सॉर्ट ऑफ अमाइनो एसिड, फिनोल एंड पैराक्रिसोल जो केमिकल्स हैं, थायराइड हॉर्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में हमारे थायराइड जो है ग्लैंड से निकलते हैं, कैटेकोलामाइंस भी एक तरह के अमाइंस होते हैं. ठीक है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो उसके बाद टायरोसिन जो है दैट कन्वर्ट इनटू द पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूबिक एसिड, दैट इज PA, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूबिक एसिड. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस अमाइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस अमाइनेज, और उसके जो जो इसमें इन्वॉल्व है विटामिन जो इन्वॉल्व हैं विटामिन B6 एंड विटामिन C. ठीक है, टायरोसिन जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूबिक एसिड PA में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस अमाइनेज. जो विटामिन इन्वॉल्व हैं वो है विटामिन B6 एंड विटामिन VC. ये क्या है? ये को एंजाइम्स हैं, ये इस एंजाइम के को एंजाइम्स हैं. ये जो विटामिन B6 एंड VC हैं इसके साथ मिलके जो ट्रांस अमाइनेज है ये काम करता है, ये एंजाइम जो है इसके साथ मिलके काम करता है. दैट्स वाई विटामिन B6 एंड VC क्या है? को एंजाइम, कोऑपरेशन के लिए, एंजाइम की कोऑपरेशन के लिए ये विटामिन जो है वो रिक्वायर्ड हैं. नेक्स्ट जो है PA कन्वर्ट इनटू द हेमोजेनेटिसिक एसिड, हेमोजेनेटिसिक एसिड. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सीलेज. को एंजाइम्स कौन से हैं? विटामिन सी, कॉपर, विटामिन B12. ठीक है, देन होमोजेनेटिसिक एसिड कन्वर्ट इन टू द मेलाइल एसीटो एसीटेट, मेलाइल एसीटो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होमोजेनेटिसेट ऑक्सीडेज, होमोजेनेटिसेट ऑक्सीडेज. को एंजाइम्स कौन से हैं? FRS2 पॉजिटिव आयरन एंड विटामिन सी. ठीक है, देन मेलाइल एसीटो एसीटेट कन्वर्ट इन टू द फ्यूमराइल एसीटो एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज. ठीक है, मेलाइल एसीटो एसीटेट कन्वर्ट इन टू द फ्यूमराइल एसीटो एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज. फ्यूमराइल एसीटो एसीटेट कन्वर्ट इन टू द फ्यूमरेट एंड एसीटो एसीटेट. मतलब क्या है? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक फ्यूमरेट बन जाएगा, एक बन जाएगा एसीटो एसीटेट. कि कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? हाइड्रोक्सीलेज. हाइड्रोक्सीलेज क्या करेगा? इसको ब्रेक कर देगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, सो दैट इट्स ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, वन इज फ्यूमरेट एंड अनदर वन इज एसीटो एसीटेट. एसीटो एसीटेट कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल को ए एंड एसीटेट. ठीक है, एसीटो एसीटेट से आगे क्या बन जाएगा? एसिटाइल को ए एंड एसीटेट. ठीक है, तो अगर हम इस
ऑन द अनदर साइड फिनाइल एलानिन कन्वर्ट इन टू द फिनाइल पेरुविक एसिड, फिनाइल पेरुविक एसिड कन्वर्ट इन टू द फिनाइल एस्टिक एसिड, फिनाइल एस्टिक एसिड कन्वर्ट इन टू द फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन, फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन दैट इज यूरिनरी माउजी ऑर्डर। ठीक है, फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन जो है ये एक ऐसा केमिकल है कि जब हमारी बॉडी से ये रिलीज होता है यूरिन के थ्रू, तो यूरिन में से माउजी ऑर्डर, माउजी होता है चूहों की स्मेल, जैसे चूहों में से स्मेल आती है वैसे ही आपके यूरिन में से वैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज इसकी इसकी माउजी ऑर्डर होता है इस केमिकल का। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन कन्वर्ट इन टू फिनाइल पेरुविक एसिड, फिनाइल एस्टिक एसिड एंड फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन दैट गिव्स माउजी ऑर्डर टू द यूरिन। ठीक है, तो एंजाइम कौन से इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमाइनेज एंड विटामिन बी6, आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नेक्स्ट इज ग्लूटामिन। ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं पूरे साइकिल में। फिनाइल एलानिन से पेरुविक एसिड बनता है ट्रांसमाइनेज एंड बी6 में, फिनाइल पेरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एस्टिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन ग्लूटामिन कॉज कन्वर्शन ऑफ फिनाइल एस्टिक एसिड टू द फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स क्या है कि अगर हमारी बॉडी में ये जो कंप्लीट साइकिल है इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी है या फिर कोई काम नहीं कर रहा कोई एंजाइम प्रॉपरली, ठीक है, तो इससे जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसऑर्डर है वो है फिनाइल कीटोन यूरिया, सेकेंड है टायरोसिनीमिया टाइप 2, थर्ड है नियोनेटल टायरोसिनीमिया, फोर्थ है एल्कैपिट्यूरिया, फिफ्थ है टायरोसिनीमिया टाइप 1, सिक्स इज एल्बिनिज्म। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, तो फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसऑर्डर्स के जो नाम है 1, 2, 3, 4 ये हमने साइकिल में भी ऊपर दिए हुए हैं 1, 2। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, डिसऑर्डर्स जो हैं ये ये वाले एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस डिसऑर्डर में, दैट्स वाई हमने ऊपर जो नंबरिंग की है इसी बेसिस पे की है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया का नाम क्या है, सबसे पहला डिसऑर्डर है ये फिनाइल कीटोन यूरिया, दैट इज़ पी के यू है इसका नाम। ठीक है, तो पी के यू कहाँ से होता है, इससे, वन नंबर कहाँ पर है ये। ठीक है, तो फिनाइल कीट इट इज़ कॉज्ड बाय कंप्लीट और पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ये देखिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है इस डिसऑर्डर में इन्वॉल्व है, जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर ये बिल्कुल ही इसकी जो डेफिशिएंसी बिल्कुल ही एंजाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, एंजाइम का काम जो है वो कर नहीं पाता, तो उस टाइम डिसऑर्डर जो आपकी बॉडी में पैदा होता है वो होता है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया डिसऑर्डर क्यों होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। इट अकर्स 1 in 10,000 लिवर, 10,000 बंदों में से ये एक को ही होती है प्रॉब्लम। फिनाइल एलानिन एंड इट्स ऑल्टरनेटिव कैटाबोलाइट्स गेट अकमुलेट, माउजी ऑर्डर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन, देर इज अ डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन सिंथेसाइज फिनोल टायरामिन एंड मेलानिन, डायग्नोसिस इज कॉज्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन, स्क्रीनिंग टेस्ट विद फेरिकलराइड एंड फिनाइल एलानिन टोरेंस टेस्ट। अब देखिए कंप्लीट मैं आपको समझाती हूँ। देखिए फिनाइल कीटोन यूरिया क्यों होता है, क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में फिनाइल एलानिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, आपके ब्लड में फिनाइल एलानिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। जब आपकी बॉडी में फिनाइल एलानिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा
तो फिनाइल एलानिन जो है वो इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें होगा, तो एंड पे जाके फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन जो है वो आपके यूरिन में से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तब आपके यूरिन में से आएगी माउजी ऑर्डर, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको फिनाइल कीटोन यूरिया डिसऑर्डर जो है वो हो चुका है, क्योंकि आपकी बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है। बट ये बहुत रेयरेस्ट डिजीज़ है, 10,000 में से 1% को ही होती है। दूसरा क्या है इसमें कि जब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जब टायरोसिन ही नहीं बनेगा तो आगे कैटेकोलामाइन, थायराइड हार्मोन्स, फिनोल, टायरामिन, मेलानिन, इनकी भी आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी। तो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो इम्प्रॉपर हो जाएंगे, वो नहीं बनेंगे, मेलानिन नहीं प्रॉपर बनेगा, कैटेकोलामाइंस नहीं बनेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब किसी पर्सन को देखना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्सन को फिनाइल कीटोन यूरिया की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप उसके ब्लड निकाल लीजिए, उसको टेस्ट कर लीजिए। अगर उसके ब्लड में फिनाइल एलानिन का लेवल जो है वो बढ़ के आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको फिनाइल कीटोन यूरिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बॉडी में फिनाइल एलानिन जो है वो अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो है ये सारा बताया गया है कि ये डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम की वजह से होता है, 1000 होता है, फिनाइल एलानिन जो है वो आपके बॉडी में कम्बुलेट हो जाएगा, यूरिन में से माउजी ऑर्डर हो जाएगी क्योंकि फिनाइल एसिटिन ग्लूटामिन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और जो हार्मोन्स है वो भी नहीं बनेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करोगे आप, फिनाइल एलानिन का लेवल चेक कर लोगे ब्लड में, ठीक है, या फिर आप उसका टॉलरेंस टेस्ट कर लोगे। ठीक है, अब जिस बंदे को ये प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, उसको आपने उस पर्सन को ऐसी डाइट देनी है जिसमें फिनाइल एलानिन जो है वो कम हो। ठीक है, तो अगर आपने पर्सन को ठीक करना है तो आपने उसको ऐसी डाइट देनी है कि फिनाइल एलानिन जो है उसमें कम हो, सो दैट पर्सन के ब्लड में पहले ही फिनाइल एलानिन बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको ऐसी डाइट दे दोगे जिसमें फिनाइल एलानिन होगा तो उसके ब्लड में और ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा। तो पर्सन को ठीक करना है आपने, उसको पहले ही फिनाइल कीटोन यूरिया हो चुका है, तो आपने उसको ऐसी डाइट देनी है जिसमें फिनाइल एलानिन का जो लेवल है वो कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है टायरोसिनेमिया टाइप 2। टायरोसिनेमिया टाइप 2, तो 2 नंबर हम देखते हैं कहाँ पे है, 2 नंबर है यहाँ पे। ठीक है, टायरोसिनेमिया टाइप 2। टायरोसिनेमिया टाइप 2 कौन सी डिजीज़ है, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ट्रांसमाइनेज, अकमुलेशन ऑफ टायरोसिन एंड अदर हॉर्मोन्स, पेनफुल कॉर्नियल इरोजन एंड प्लैक्यूस इन्फ्लेमेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, लो टायरोसिन डाइट जो है वो देनी होती है आपने। ठीक है, अब देखिए टायरोसिनेमिया टाइप 2 क्यों होता है, ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो टायरोसिन जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, तो टायरोसिन का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो कैटेकोलामाइन, थायराइड हॉर्मोन्स, फिनाइल, टायरामिन, मेलर, इनका भी लेवल जो है वो आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। तो जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं, कैटेकोलामाइंस हैं, ये क्या करती हैं, ये बॉडी में इन्फ्लेशन कोज कर देंगे और मेंटली पर्सन को रिटार्ड कर देंगे, मतलब पागल हो जाता है बंदा, क्योंकि जब उसके अंदर हॉर्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको ऐसा कोई पर्सन है जिसमें टायरोसिनेमिया टाइप 2 की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको आपने ऐसी डाइट देनी है जिसमें टायरोसिन जो है वो कम हो। ठीक है, ऑलरेडी उसमें टायरोसिन बहुत ज़्यादा हो चुका है ब्लड में, दैट्स वाई आपने उसको ऐसी डाइट देनी है जिसमें टायरोसिन जो है उसका लेवल जो है वो कम हो। ठीक है, तो वो टायरोसिनेमिया टाइप 2 जो है वो डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें ट्रांसमाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सिंपली आपको अगर ये पता चल जाए कि यहाँ पे 2 नंबर है तो आप इसी के बेसिस पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये एंजाइम ख़त्म हो जाएगा तो इसकी कन्वर्शन नहीं होगी, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो आपकी बॉडी में मेंटली आप रिटार्ड हो जाओगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आपकी आइज में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये आप सारा कुछ याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है नियोनेटल ट्रांस
नियोनेटल टायरोसिनेमिया, नियोनेटल टायरोसिनेमिया, नियोनेटल होता है छोटे बच्चे को, जो बच्चे के जन्म होता है ना तो उसको नियोनेटल बोल देते हैं, ठीक है। तो नियोनेटल टायरोसिनेमिया क्या है? कॉमनली अकर इन इन्फेंट्स, पर्टिकुलरली इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज, रिस्पोंड वेल टू एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो नियोनेटल नियोनेटल जो है वो थर्ड नंबर की डिजीज है, थर्ड, ठीक है। तो थर्ड कहाँ पे है नंबर, देखो ये रहा। तो नियोनेटल टायरोसिनेमिया कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी के कारण ही होता है नियोनेटल टायरोसिनेमिया। तो नियोनेटल का मतलब क्या है कि ये प्री मेच्योर इन्फेंट्स, जो बच्चे 9 मंथ से पहले ही हो जाते हैं, या फिर छोटे बच्चों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखी गई है, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी होती है, दैट्स वाई उनके अंदर जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूविक एसिड है वो होमोजेंटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट इसमें एक चीज़ देखी गई है कि क्योंकि इसका कोएंजाइम जो है वो विटामिन सी है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाता है कि अगर हम बच्चे को विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, द अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। जब हम किसी बच्चे को एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा वेल रिस्पॉन्ड करता है। विटामिन सी देने से उसके अंदर हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उसका जो फिनाइल पी ए पाइरूविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, को एंजाइम है, तो हम विटामिन सी दे के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एल्काटोनियूरिया, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर जो है वो फोर्थ नंबर डिसऑर्डर है, ठीक है। जो फोर्थ नंबर जो है वो यहाँ पे देखते हैं हम, तो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है होमोजेनेटिसिट ऑक्सीडेज, होमोजेनेटिसिट ऑक्सीडेज, ठीक है। तो एल्काटोनियूरिया जो है इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी होमोजेनेटिसिट ऑक्सीडेज, ठीक है। ये तो आपको पता चल ही गया कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, उसकी डेफिशिएंसी से होता है। अब इससे क्या होगा, कंबुलेशन किसकी होगी, इसमें कंबुलेशन किसकी होगी, क्योंकि ये वाला एंजाइम इन्वॉल्व है तो ये जो कन्वर्शन है ये नहीं हो पाएगी, तो आपके ब्लड में होमोजेनेटिसिक एसिड की कंबुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके प्लाज्मा पे होमोजेनेटिक एसिड का जो लेवल है वो इनक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कम्युलेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड इन यूरिन, मतलब क्या है, जब आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो वो यूरिन में भी पास होना स्टार्ट हो जाता है, तो यूरिन में भी इसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से यूरिन डार्कन अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म बेंजोक्विनोन एसीटेट विच इज, अब देखिए, अब जब होमोजेनेटिक एसिड है ये आपके यूरिन में निकलेगा बाहर, जब आप यूरिनेशन करने जाओगे, तो जब आपके यूरिन में होमोजेनेटिक एसिड जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके यूरिन का रंग जो है वो डार्क हो जाएगा, बहुत डार्क कलर का आपको यूरिन आएगा, क्योंकि होमोजेनेटिक एसिड जब किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोक्विनोन एसीटेट में, जिसका कलर जो है वो डार्क होता है। दैट्स वाई जब आप यूरिनेशन करोगे, यूरिन जो है वो बाहर निकालोगे तो वो एयर के टच में आएगा, एयर को एक्सपोज होएगा, तो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो उसमें होमोजेनेटिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजोक्विनोन एसीटेट में, तो उससे क्या होगा, उसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। The harmless condition does not need any treatment except development of erythritis in the middle age or later age. This is due to deficiency of alkotonin cartilage. The condition called ochronosis. ठीक है, कहते इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो होती नहीं है, बट ये होता है कि मिडल एज में जाके उस पर्सन को एरिथ्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। एरिथ्राइटिस क्या होता है, जो आपके जोड़ों के दर्द, ठीक है, आपके घुटनों में जो आपके गोड्डे हैं, घुटने हैं, उनमें दर्द स्टार्ट हो जाएगा, उसको एरिथ्राइटिस कहते हैं। तो एरिथ्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये होती क्यों है, जो एल्काटोन्स हैं, जो एल्काटोन्स केमिकल है जो वो आपके कार्टिलेज में, कार्टिलेज क्या होता है, जो बोन के साथ लगे होते हैं, वहाँ पे उसकी कम्युलेशन या डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं ओक्रोनोसिस, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओक्रोनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है
टायरोसिनेमिया टाइप 1। नेक्स्ट है टायरोसिनेमिया टाइप 1। नेक्स्ट टायरोसिनेमिया टाइप 1 जो है वो फिफ्थ ऑर्डर है, फिफ्थ डिसऑर्डर है। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हाइड्रोलेज। इट अकर्स इज 1:5 पर 1000 लिवर्स। एक्युमुलेशन ऑफ फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट एंड रिलेटेड ऑर्गेनिक एसिड कॉज अ कैबेज लाइक। अच्छा पहले तो हम देखते हैं 5 नंबर है कहाँ पे। अच्छा फिफ्थ इज देयर, ठीक है। तो हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फ्यूमरल एसिटोएसिडेट का नॉट कन्वर्ट इनटू द फ्यूमरेट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डेफिशिएंसी किसकी है, ये हाइड्रोलेज की। ये बन अगर 1000 पर्संस हैं, 1000 लिवर्स हैं, तो उसमें से 1.5 को ही ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अकम्बुलेशन किसकी होती है, फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट, ठीक है। वो तो आपको पता ही है कि फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में। अगर हाइड्रोलेज एंजाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट कैन नेवर बी कन्वर्ट इनटू द फ्यूमरेट। तो आपके ब्लड में फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट जो है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा एंड ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके बॉडी में से आपके यूरिन में से कैबेज लाइक ऑर्डर आएगा, कैबेज लाइक, ठीक है। तो कैबेज लाइक आपके स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके लीवर के फंक्शंस जो हैं वो भी एबनॉर्मल हो जाएंगे और आपके रीनल फंक्शंस जो हैं वो भी एबनॉर्मल हो जाएंगे। एनीमिया एंड विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट में ऑल्सो डिवेलप, ठीक है। और जब आपके लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उससे आपको एनीमिया भी हो सकता है, आप में एचबी की कमी हो सकती है और उससे आपको विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी हो सकता है। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स का मतलब होता है कि रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी जो बॉन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो आपको पता है कि बॉन्स जो होती हैं वो हड्डियाँ जो होती हैं उनके लिए आपको कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए। तो अगर किसी को बोन्स की प्रॉब्लम आती है तो हम उसे विटामिन डी देते हैं ताकि उसकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। बट इस केस में क्या होगा कि जो आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम आएगी उसमें विटामिन डी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी रिकेट्स की प्रॉब्लम आएगी, विटामिन डी भी उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी टायरोसिनेमिया टाइप 1 में। नेक्स्ट है एल्बिनिज्म, दिस इज़ द लास्ट डिसऑर्डर, दैट इज 6 नंबर डिसऑर्डर। This is the name of this order is albinism. तो albinism कहाँ involved है, 6 number is there. This is 6 number. Tyrosin convert into the melanin through 6 number. ठीक है। तो albinism क्या है, This is due to inherited defects in the pigment cell melanocytes of skin and eyes. ठीक है। तो टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मेलानिन में, ठीक है। मेलानिन क्या है, मेलानिन जो हमारी स्किन में हमारी जो स्किन का कलर होता है वो मेलानिन के मेलानिन की वजह से ही होता है। मेलानिन किससे बनता है, टायरोसिन से। जो इसके अंदर सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं मिलानोसाइट्स, ठीक है। तो ये एक इनहेरिटेड इफेक्ट है, इनहेरिटेड होता है जो पेरेंट से मिलता है हमें, तो ये इनहेरिटेड इफेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मिलानोसाइट्स हैं, जो सेल्स हैं मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, वो सेल्स जो हैं स्किन एंड आइज़ के पिगमेंट सेल, उनमें कोई ख़राबी आ जाती है, उनमें कोई डिफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। ये टू टाइप का होता है, ओक्यूलोकटेनियस एल्बिनिज्म एंड ऑक्युलर एल्बिनिज्म, ठीक है। तो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म क्या है, इट हैज़ मोर देन 10 फॉर्म्स, देयर इज़ अ डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड आइज़, ठीक है। तो कट्यूनियस का अक्यूलो मतलब होता है आइज, क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये वाली टाइप का है जो, ये स्किन को भी सफ़र करती है, आइज को भी प्रॉब्लम करती है और इसके 10 से ज़्यादा फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, मोर देन 10 फॉर्म्स में अवेलेबल है, 10 फॉर्म्स में हो सकती है ये। तो अक्यूलर एल्बिनिज्म क्या होता है, जो सिर्फ एंड सिर्फ आइज में ही इफेक्ट डालती है, स्किन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट्स वाई नेम इज़ ऑक्यूलर एल्बिनिज्म, ठीक है। तो एल्बिनिज्म क्या है, ये इनहेरिटेड इफेक्ट है जिसमें जो मिलानोसाइट्स हैं जिनसे मेलानिन प्रोड्यूस होता है उन सेल्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये दो टाइप की है, अक्यूलोकटेनियस एंड ऑक्यूलर। अक्यूलोकटेनियस क्या होती है, आइज एंड स्किन की प्रॉब्लम जो होती हैं, ऑक्यूलर होती हैं ओनली एंड ओनली डिफेक्ट टू द आइज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेरोटोनिन।
अब हम हॉर्मोन्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हॉर्मोन्स जो होती हैं दैट इज सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, कैटेकोलामाइन, सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले सेरोटोनिन की बात करते हैं हम, ठीक है। सेरोटोनिन क्या है, ठीक है। तो सेरोटोनिन जो है ये हार्मोन है आपकी बॉडी में, इसका नाम है 5-HT, ठीक है। 5-HT इसका नाम है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। सेरोटोनिन जो है कि हार्मोन है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इसका कंप्लीट जो नाम है दैट इज़ 5-HT, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। ये 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन इज सिंथेसाइज इन स्पेशल सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल और ऑल्सो कॉल अर्गिना टैफिन सेल्स और कल्चिक ट्रिक्सी सेल्स, ठीक है। तो लाइक गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल, ब्रेन, मास सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका कि सेरोटोनिन जो है ये एक हार्मोन है आपकी बॉडी में, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ये आपकी बॉडी में स्पेशल सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिनसे ये निकलता है सेरोटोनिन, ठीक है। उनको अर्गिना टैफिन सेल्स भी कहते हैं और उनको सेकंड प्रोनाउंसिएशन है कल्चिस्टिक्सी सेल्स, ठीक है। ये कौन कौन से टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, आपके जो स्टमक की म्यूकोजा है उसमें प्रेजेंट होते हैं ये, आपके इंटेस्टाइन में, ब्रेन में, मास सेल्स एंड प्लेटलेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस कैसे होता है, इसका सिंथेसिस होता है 5-हाइड्रोक्सी सिंथेसिस फ्रॉम ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इससे हम क्या बनाएंगे, हमारी बॉडी में कैसे बनता है सेरोटोनिन, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन कैसे बनता है, ट्रिप्टोफन से। तो आपको करना है L-ट्रिप्टोफन, लीवोट्रिप्टोफन जो है, ठीक है, आपकी बॉडी में लीवोट्रिप्टोफन जो है वो कन्वर्ट होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन में, किन प्रेजेंस में, हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जो NADPH है वो कन्वर्ट होता है NADP में, और ऑक्सीजन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो L-ट्रिप्टोफन कन्वर्ट इनटू द 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोलेज ऑक्सीजन, एंड NADPH जो है दैट कन्वर्ट इनटू द NADP और एक H जो है वो लूज़ कर देगा, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी तो ये 5-हाइड्रोक्सी बन जाएगा, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन। उसके बाद 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन डीकार्बोक्सिलेट जो एंजाइम है विटामिन B6 के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन में, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन में, 5-HT में, दैट इज सेरोटोनिन, ठीक है। तो कंप्लीट अगर हम सेरोटोनिन की बात करें कि सेरोटोनिन जो है ये एक हार्मोन है जो इंसान को खुश रखता है, ठीक है। जब जो इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हर बात पे खुश रहते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, स्ट्रेस नहीं लेते, उन लोगों में सेरोटोनिन का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक बात और भी है, ये बहुत बड़ा मार्कर भी है, जो क्राइम ब्रांच होती है जब कोई बंदा सुसाइड करता है तो क्राइम ब्रांच जो है वो कैसे देखती है कि इसने सुसाइड किया है या फिर इसको किसी ने मारा है। कभी कभी होता है ना कोई पर्सन किसी को मार के शो ऐसे कर देता है कि ये सुसाइड किया है इसने, तो क्राइम ब्रांच क्या करती है, उसके ब्लड के सैंपल में से देखती है कि सेरोटोनिन का जो लेवल है वो कितना है। अगर उस पर्सन के ब्लड में सेरोटोनिन का लेवल जो है वो थोड़ा सा भी मिल जाता है तो उससे उनको पता चल जाता है कि नहीं, इसने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर सेरोटोनिन जो हार्मोन था वो था, वो इंसान कभी सुसाइड नहीं कर सकता, तो इसको किसी ने मारा है, ठीक है। तो जब सेरोटोनिन का लेवल जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो पर्सन जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको डिप्रेशन जो है वो अटमोस्ट डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो सेरोटोनिन जो एक हार्मोन है जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है। ये हमारी बॉडी में स्पेशल सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिनको अर्जिना टैफिन सेल्स भी कहते हैं, उनसे प्रोड्यूस होता है। ये सेल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, इंटेस्टाइन में, ब्रेन में, प्लेटलेट्स में एंड मास सेल्स में होते हैं। ये एल ट्रिप्टोफिन से बनता है, हाइड्रोलेज एंजाइम के पैंस में, जिसमें ऑक्सीजन एंड नैड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ओ देती है, नैड जो है वो एच देता है, दैट्स वाई कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्टोफिन 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन में।
उसके बाद डी कार्बोक्सिलेस एंजाइम क्या करता है, इसको 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो है वो सीरोटोनिन है, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसके, दिस इज पोटेंट बेसो कंस्ट्रिक्टर, पोटेंट बेसो कंस्ट्रिक्टर होता है जो पोटेंटली वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं जो ब्लड लेके जा रही हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, उनका ल्यूमन कंस्ट्रिक्ट करके उनको, उनका जो ल्यूमन साइज है वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, जो हमारे मसल्स हैं उसके कंट्रैक्शन को करके कंट्रैक्ट कर देता है हमारे मसल्स को भी, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिप्रेसेंट इफेक्ट, डिप्रेशन हो जाता है पर्सन को। स्टिमुलेट सेरिब्रल एक्टिविटी, एक्सेस कॉज एक्साइटेशन एंड सेरिब्रल एक्टिविटी, ठीक है। सेरिब्रल होता है सेरिब्रल ब्रेन, ये हमारी ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। जिन लोगों में सेरोटोनिन ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, इट इज़ अ हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी नहीं होता, पीनियल ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड से हार्मोन जो है मेलाटोनिन वो निकलता है। एंड पेरिफेरल नर्व्स ऑफ मैन, और जो मैन है उनकी पेरिफेरल नर्व्स में से भी निकल, पेरिफेरल नर्व्स का ये हार्मोन है, ठीक है। तो आपने याद रख लेना है कि ये इट इज़ अ हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड में से निकलता है ये हार्मोन, और पेरिफेरल नर्व से भी निकलता है मैन की, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन से भी सिंथेसाइज हो जाता है आपकी बॉडी में, क्योंकि सीरोटोनिन जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल सीरोटोनिन में, एसिटाइल सीरोटोनिन कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, मेलाटोनिन। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, पहले सीरोटोनिन से एन एसिटाइल सीरोटोनिन जब बनता है तो एंजाइम इन्वॉल्व है सीरोटोनिन एन एसिटाइलेज, सीरोटोनिन एन एसिटाइलेज, एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो जाएगा को ए एस एच में, ठीक है। एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो जाएगा को ए एस एच में, तो ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो सीरोटोनिन के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो सीरोटोनिन एन एसिटाइलेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देगा एन एसिटाइल सीरोटोनिन। एन एसिटाइल सीरोटोनिन जो है वो क्या करेगा, वो एक एंजाइम की, वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में, एन एसिटाइल सीरोटोनिन ओ मिथाइल फ्रेज, ओ मिथाइल फ्रेज की प्रेजेंस में एन एसिटाइल सीरोटोनिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेलाटोनिन में, ठीक है। तो इधर से एक और रिएक्शन जो है वो चल रही है, जिसमें क्या है, एस एडिनोसाइल मिथोनिन मिथाइल कन्वर्ट हो रहा है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टिन में, ठीक है। ये पीनियल बॉडी टिश्यूज में होता है, ठीक है, ये सारा जो है वो पीनियल बॉडी टिश्यूज में होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले सीरोटोनिन जो है वो सीरोटोनिन एन एसिटाइलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एन एसिटाइल सीरोटोनिन में, फिर एन एसिटाइल सीरोटोनिन ओ मिथाइल फ्रेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में। और सेकंड जो इधर जो रिएक्शन चल रही है वो भी एक रिएक्शन और चल रही है, ये सारा कुछ पीनियल बॉडी टिश्यूज में होता है, एस एडिनोसाइल मिथोनिन जो है वो कन्वर्ट होता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टिन में, ठीक है। बोथ सिंथेसिस एंड सेक्रीशंस ऑफ मेलाटोनिन बाय पीनियल ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय लाइट, ठीक है। अब जो मेलाटोनिन है ये हमारी बॉडी का ऐसा हार्मोन है जो लाइट से रेगुलेट होता है, ठीक है, लाइट से, ठीक है। जो हमें नींद आती है रात को, तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जो लाइट चला के रखते हैं मुझे नींद नहीं आती लाइट में, मैं अंधेरे में सो सकता हूँ, क्योंकि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में से पीनियल ग्लैंड में से निकलता है, जो हमें हमारी जो बायो, जो हमारे बायो क्लॉक है, जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है, जिससे हमें सुबह अपने आप ही 6 बजे जाग आ जाती है, 7 बजे जाग आ जाती है, हम उठ जाती हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है इसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो अपने हिसाब से चलता है, जो हमें जगाता है, जो हमें ये बताता है कि आपको नींद आ रही है। वो उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट कौन करता है, मेलाटोनिन, ठीक है। तो मेलाटोनिन जो है इसका जो इफेक्ट है वो लाइट के साथ है, रेगुलेटेड बाय लाइट, लाइट की प्रेजेंस में
जैसे धूप चढ़ जाती है, जब धूप आपकी आंखों पे पड़ती है तो आप अपने आप उठ जाती हैं, क्योंकि मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये कैसे रेगुलेट होता है, लाइट के साथ। तो लाइट के साथ इसकी रेगुलेशन होती है जो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है, मेलाटोनिन में इफेक्ट सीजनल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोटो पीरियड एंड इफेक्ट ऑफ लाइट इन ड्यूरल। आपने इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना, आपने सिंपली याद करना है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग यूजेज हैं, इसके फंक्शंस हैं। मेलाटोनिन जो है वो आपके अंदर ब्रेन में बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको सेट करता है, ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और ये जो है मेलाटोनिन जो है ये आपकी बॉडी को लाइट के साथ जोड़ के रखता है, लाइट के साथ आपकी बॉडी पर जो इफेक्ट्स आते हैं वो मेलाटोनिन की वजह से ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेकोलामाइंस, ठीक है। तो कैटेकोलामाइंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे, कैटेकोलामाइन एंड इज देयर सिग्निफिकेंस, और कैसे इनका जो प्रोडक्शन है वो होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके।